हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वीज़ एंड आइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी जुलाई मंथ की है। तो जुलाई मंथ की ऐसे आपकी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो चुकी है, लेकिन इसमें न्यूज़ इन शॉर्ट वाली जो होती है, जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाली जो न्यूज़ होती है, वो अभी बाकी रह गई है, और आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स भी बाकी है। तो ये दोनों लेसन्स को मैं कंप्लीट करा देती हूँ। आज मैं न्यूज़ इन शॉर्ट कंप्लीट करा दूँगी, और फिर उसके बाद आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स भी मैं कल कंप्लीट करा दूँगी। ओके, तो इस तरीके से हमारी जुलाई मंथ की मैगजीन्स कंप्लीट हो जाएगी, और अगस्त मंथ की मैगजीन्स भी हाफ कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर साइंस एंड टेक और एथिक्स कल्चर और आपकी जो सोशल इशूज़ है वो बची है। तो जितनी भी लेसन कंप्लीट हो चुकी है, उन सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आके स्टार्टिंग से वीडियो देख सकते हैं। ओके, और आपको इस मैगजीन्स की अगर PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, जो कि रिसोर्स पॉइंट के नाम से। वहाँ पर आपको मेरी अन अकेडमी की और यूट्यूब की जितनी भी वीडियोज़ के लिंक है वहीं पर मिल जाती है, साथ ही रिक्वायर्ड PDF भी मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो न्यूज़ इन शॉर्ट में इस तरीके की जो न्यूज़ होती है वो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अपार्ट फ्रॉम UPSC एंड स्टेट PCS। अगर आप बैंकों के एग्ज़ाम दे रहे हो, RBI के एग्ज़ाम दे रहे हो, RRB के एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर कोई भी रेलवे वगैरह की भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये सारी न्यूज़ उसमें ज़्यादा पूछी जाती है। इस तरीके के न्यूज़ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं और इसमें सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन ही आपके बन पाते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है कि सेकेंड इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग हुई है। तो ये कहाँ हुई है और क्या इसका पर्पस था, ये आपको पता होना चाहिए। ये सेकेंड इंडिया रशिया इकोनॉमिक डायलॉग है जो कि न्यू दिल्ली में हुई है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक जो इकोनॉमिक डायलॉग हुआ है, ये आपका एस्टैब्लिश किया गया है एक बायलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, जो कि MOU कहते हैं। तो ये दो या दो से ज्यादा कंट्री के बीच में ये साइन किया जाता है जब किसी मुद्दे पर बात करनी होती है। तो यहां पर इंडिया की तरफ से नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो कि रशिया फेडरेशन के हैं। तो ये 19th edition जब एनुअल इंडिया रशिया बायलेटरल समिट न्यू दिल्ली में हुई थी, तब इसको साइन किया गया था। जो फर्स्ट इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग थी वो सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी, और ये 25 से 26 आपकी नवंबर 2018 में हुई थी। तो रशिया और इंडिया के बीच में अगर ये आपके डायलॉग होती है तो मेनली बात है कि इंडिया या रशिया में ही होगी। तो फर्स्ट जो डायलॉग हुई थी वो रशिया में हुई थी, और सेकंड जो है वो अभी इंडिया में हुई है। तो सेकंड मीटिंग की अगर बात कर ले, यहाँ पर 6 एरिया ऐसी है जहाँ पर कॉपरेट किया जा रहा है, जहाँ पर बातें की जा रही है, वो है ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजीज़, एग्रीकल्चर और एग्रो जो प्रोसेसिंग सेक्टर उसको डेवलप करनी है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस को सपोर्ट करना है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ की बात की गई है, ट्रेड, बैंकिंग, फाइनेंस और इंडस्ट्री पे यहाँ पे कॉपरेट किया जाएगा, टूरिज्म और कनेक्टिविटी पे बात की गई है। तो ये 6 core areas है जहाँ पे इन दोनों ने कंट्री ने बात करी है। ओके, तो चलिए इस तरह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक आपकी रिपोर्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI टॉपिक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये IMF है जो कि ये इस तरीके की रिपोर्ट को ये निकाल कर लेकर आती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। IMF, WEF और आपकी WHO और फिर WTO, इन द्वारा इन सारी चीज़ों, इन वर्ल्ड बैंक, ये सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोई भी अगर रिपोर्ट पब्लिश करती है तो उससे एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो IMF की ये रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है। यहाँ पर जो ग्रोथ किया गया, ग्रोथ देखा जा रहा है इंडिया के लिए, तो उसको कट किया गया, एनुअल ग्रोथ को कट किया गया, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वो यहाँ पर थोड़ी वीक हो गई है और लिमिट हो गई है हमारे इकोनॉमिक रिकवरी में, यानी कि हमारी इकॉनमी थोड़ी सी यहाँ पे डगमगा गई थी जब से 2016 में आपको देखने को मिला होगा कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, जिसमें कि 500 और 2000 की नोट बाहर हो गई थी, चलन से बाहर हो गई थी। 2017 में 1 जुलाई से हमारी GST अप्लाई हो गई, तो उसके बाद से हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो थोड़ी सी डगमगा गई। तो यही रिकवरी करने में हम लोग थोड़े से कमज़ोर हो चुके हैं, ऐसा IMF का कहना है। और जो इकॉनमी है अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम लोग 7% से यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे 31st of March 2020 तक। इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुकी है और आज भी है, और हम लोग जो है ना चाइना से बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। RBI इकोनॉमिक सर्वे और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ना हमारी ग्रोथ को कट किए हैं, और वो भी 7% तक ला के रखे है। अगर हम लोग प्रोजेक्शंस देखें जो कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कितना होने वाली है 2019-20 के लिए, तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग हम लोग 7.5% से ग्रो करेंगे, ADB के अकॉर्डिंग 7% है, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 7% है, IMF भी यहाँ पे 7% कह रही है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इसी टेबल से बहुत सारी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक, यहाँ पे आपको ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन भी देखने को मिलेगा हर एक कंट्री का। तो यहाँ पे आपको 2018 और 19 का कंपेयर करके बताया जा रहा है, तो आप दूसरे भी कंट्रीज़ का देख सकते हो, चाइना का देख सकते हो कि क्या हाल है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है उत्कर्ष 2022। तो RBI लॉन्च की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि RBI से रिलेटेड टॉपिक्स ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप बैंकों के एग्जाम दे रहे हो। तो RBI यहाँ पे उत्कर्ष 2022 को लॉन्च की है। RBI जो है एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क लेकर आ रही है, जिसके थ्रू जो भी RBI की
कैंडिडेट्स हैं उनके परफॉर्मेंस में एक्सीलेंस लाना है, जो भी ट्रस्ट ऑफ सिटीजन है उसको और मजबूत बना रहा है, और दूसरे इंस्टीट्यूशंस को भी यहाँ पे और स्ट्रेंथ देना है। ये 3 ईयर रोड मैप होगा मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव का, जो कि यहाँ पे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के प्लान के अकॉर्डिंग ये काम करेगी, और यहाँ पे जो भी आपकी सुपरविजन मैकेनिज्म है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, उसको स्ट्रेंथन करने की बात कर रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि RBI अलाउ कर चुकी है डोमेस्टिक बैंकों की वो अपनी NPAs को अब्रॉड में सेल कर सकती है, वो भी वन टाइम सेटलमेंट के लिए। इट मींस NPA कहने का मतलब है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा एसेट बैंकों का जो कि काम नहीं कर रहा है। इट मींस कि अगर आप बैंकों से लोन लेते हो और एक सर्टेन टाइम के बाद आप रीपेमेंट नहीं करते हो, इट मींस कि वो बैंकों का पैसा था और वो बैंकों का पैसा बर्बाद हो चुका है। ऐसी एसेट थी जो कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रही है क्योंकि वो आपसे रिकवर नहीं कर पा रहे, तो उसको NPA की कैटेगरी में ला दिया जाता है। और आज की डेट में आप लोग देखते हो कि जितनी भी हमारी डोमेस्टिक बैंक है वो सब में NPA की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और NPA के बढ़ने से क्या होता है कि हमारे बैंकों का जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है। तो RBI यहाँ पे अलाउ की है कि जो भी यहाँ पे डोमेस्टिक बैंक है वो अपनी वन टाइम सेटलमेंट के लिए, बस एक बार के लिए जो है वो अपनी NPAs को बाहर की बैंकों में बेच सकते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे RBI के द्वारा ये अलाउंस मिल गया है। डिटेल्स अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कॉर्पोरेट जो है ना वो लॉन्ग टर्म यहाँ पे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लोन लेती है वर्किंग कैपिटल के लिए, जनरल पर्पज़ के लिए, और यहाँ पे डोमेस्टिक लोन को वो रिपे करती है। बैंक और कॉर्पोरेट जो है ना इस तरीके की जो बैड लोन्स होती है, बैड लोन्स का या फिर NPA का ये सब सेम है, बैड लोन्स जो होती है उसको बेचती है डायरेक्टली किसको, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो लेंडर्स होते हैं ना, जो बाहर से जो लोग यहाँ पे कमर्शियल बोरोइंग लेते कोई कमर्शियल पर्पज़ के लिए वो पैसे लोन पे लेते, तो उनको इस तरीके का जो बैड लोन्स होता है ना वो उनको दे दिया जाता है। जो भी लोन यहाँ पे रेज किया जाता है वो वन टाइम सेटलमेंट के लिए होगा और कंपनीज के साथ किया जाएगा, और जो लोन है उनकी मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी रेट अगर यहाँ पे दिखाई जा रही है तो वो 7 से 10 ईयर्स तक होगी। RBI पहले भी इस चीज़ को यहाँ पे रेज की थी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को, कि वो इस तरीके से डोमेस्टिक लोन को रीपे कर सके, और इस तरीके का जो यहाँ पे कदम उठाया जा रहा है ना ये हमारे इंडिया के एक्सटर्नल लायबिलिटी को काफ़ी अच्छे से रेज करेगी और हमारे रिस्क को भी बिल्डअप कर सकेगी। यहाँ पे ओवरसीज जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको अलाउ किया जा रहा है कि वो इस तरीके का डायरेक्ट लोन एक्सपोजर्स करें इंडियन कॉर्पोरेट्स को। ओके, तो ये एक अच्छी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होता है, एक तरीके का फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि मनी को बोरो किया जाता है किसी भी फॉरेन सोर्सेज से, और इसको इन्वेस्ट करने के लिए यानी कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ अगर वो अपने कंट्री में करना चाहते हैं तो वो इस तरीके का दूसरे कंट्री से पैसे ले सकते हैं। अब अगर 65th BPSC के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो अभी लेसन ले रही हूँ वो मैं इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ले रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट मेरे 65th BPSC प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और 15th October को वो अटेम्प्ट लेने वाले हैं, तो उनको ये सारी टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इस तरीके की क्वेश्चन आ सकती है। मोतिहारी एमएलखेंग जो ऑयल पाइपलाइन बनाया जा रहा है, तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में बनाया जा रहा है, मोतिहारी बिहार में देखने को मिलेगा, और अमेलगंज जो है वो आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। तो ये एक पाइपलाइन बनाया जा रहा है, इसकी लेंथ है 69 किलोमीटर, मोतिहारी यही बिहार में है, अमेलखंज जो है आपकी नेपाल में है, और इसको इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है। ये फर्स्ट ऐसा ट्रांसनेशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन है जो कि इंडिया की तरफ से, और साउथ एशिया की भी जो ऑयल पाइपलाइन कॉरिडोर है ये पहली है, और ऑयल पाइपलाइन नेपाल की भी पहली है, तो इतनी फर्स्ट रह चुकी है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोर चांसेस है कि पूछा जाएगा। इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली सप्लाई हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट कर पाएंगे नेपाल को, और ये जो मोतिहारी अमेलखंज जो ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट है ये 1996 में ही प्रपोज किया गया था, दो गवर्नमेंट यहाँ पे लिंक की है एक एग्रीमेंट के साथ, और इस प्रोजेक्ट को जो है 2015 में ही इसको चालू कर दिया गया था। अब नेक्स्ट आते हैं सरगासो सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सरगासो सी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। यहाँ पे जो है ना सरगासो सीविड्स एल्गी पाया जा रहा है, एक बेल्ट पाया जा रहा है सरगासो सी में। तो सरगासो सी की बात करें तो यहाँ पे फ्री फ्लोटिंग सीविड्स देखने को मिलता है। सीविड्स कहने का मतलब है कि सी में आपको बहुत तरीके के यहाँ पे आपको कलरफुल प्लांट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो एक तो कोरल होता है, उसके अलावा भी यहाँ पे आपको जीव जंतु देखने को मिलते हैं जिसको हम लोग सीविड्स कहते हैं। सीविड्स जो है ना ये मैरीन वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनको हैबिटेट प्रोवाइड करती है जैसे कि फिश बर्ड्स वगैरह रहते हैं। उसी सेम टाइम में आप देखोगे तो ये थिक मैट्स जो है ना सनलाइट को ब्लॉक करती है, यानी कि ये सीविड्स होते हैं ओशन में, जैसे कि सनलाइट आती है ना ओशन में तो इसको ब्लॉक करती है, और यहाँ से जो है ना सनलाइट की किरण अंदर तक नहीं जाती है, तो जितनी भी मैराइन लाइफ होती है ना ओशन में तो वो यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर पाती है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी आपको देखने को मिलेगा जो कि ओशन में भी फ्लोट करती है। सरगासो सी काफ़ी यूनिक है क्योंकि यहाँ पे सरगासम पाया जाता है, और सरगासम की जो स्पेसिस होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैराइन लाइफ के लिए। सरगासो सी कहाँ है, तो सरगासो सी आपके नॉर्थ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल गायर में आपको देखने को मिलेगा, और अदर सीज की बात करें वर्ल्ड में जो कि एटलीस्ट इस लैंड बाउंड्री से ये डिफाइन की गई है,
सरगासो सी जो है ना, ये ओनली बाय यहाँ पे आपका डिफाइन किया जाता है ओशन करंट से ही, ओके okay? क्योंकि चारों तरफ इसकी करंट ही देखने को मिलती है, ओशन करंट। तो कौन कौन सी करंट है, जैसे ये सरगासो सी है आपके नॉर्थ अटलांटिक में, तो यहाँ पे गल्फ़ स्ट्रीम आपको देखने को मिलेगा सरगासो सी के वेस्ट बाउंड्री में, यहाँ पर आपको गल्फ़ देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है सी जो है फर्दर डिफाइन किया गया है नॉर्थ में, ये नॉर्थ अटलांटिक करंट है, यहाँ पे आपको नॉर्थ अटलांटिक करंट देखने को मिलेगा। वहीं अगर ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे कैनरी करंट है, और अगर हम लोग साउथ की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है, ओके okay? तो इस तरीके से आपको फिगर बना के याद रखना है, ये आपका सरगासो सी है नॉर्थ अटलांटिक में, यहाँ पे आपको वेस्ट में गल्फ़ आपकी स्ट्रीम है, और ये जो है आपकी कैनरी करंट है, ये आपकी नॉर्थ अटलांटिक करंट है, और ये आपकी जो है नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है, ओके। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये चारों ओर से जो है ओशन करंट से घिरा हुआ है, और इसमें एक सरगासम पाया जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ओके। सरगासो सी जो है ना एक स्पॉनिंग साइट देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको इंडेंजर्ड ईल देखने को मिलेगी, साथ ही साथ वाइट मार्लिन होती है, ये सारी स्पेसिस की नाम है जो कि आपको ओशन वगैरह में देखने को मिलेगा, ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व जो कि है अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये तेलंगाना में है। सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है, इवन यूपीएससी में इस तरीके की डायरेक्ट क्वेश्चन आती है कि अमराबाद टाइगर रिजर्व आपको किस स्टेट में देखने को मिलेगा, तो ये तेलंगाना है, ये बात याद रखनी है। सेंटर यहाँ पे ग्रांट की है एक क्लियरेंस जो कि यूरेनियम एक्सप्लोरेशंस के लिए है, यहाँ पे आप यूरेनियम का एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये जो आपको एरिया देखने को मिलेगा यहाँ पे माइनिंग होती है, और ये अमराबाद और नूडीगाल रिजर्व्स फॉरेस्ट में, जो कि काफ़ी कोर एरिया है हमारे टाइगर रिजर्व्स का। लोकेशन की बात करें तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये नालामाला हिल्स में है, और ये आपको जो है मभू नगर और नलकोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में देखने को मिलेगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको मेजर ट्रिब्यूटरी और कैचमेंट जो है कृष्णा रिवर देखने को मिलेगा, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो आपकी तेलंगाना में टाइगर रिजर्व है इसमें से कौन सी रिवर पास होती है, तो कृष्णा रिवर पास होती है, और ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, और सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व कौन सी है, तो आंध्र प्रदेश की नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व है, उसके बाद सेकेंड है अमराबाद टाइगर रिजर्व, ओके। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पे आपको लेपर्ड्स, स्लॉट बियर्स, वाइट डॉग्स और स्पॉटेड डियर, सांबर और वाइल्ड बोर्स, ये सारे देखने को मिलेंगे, और कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज़ भी है, मूस डियर भी है, ओके। और यहाँ पे चेंचूस ट्राइब्स भी रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आर्कोलॉजिकल आस्पेक्ट देखें तो यहाँ पे जो है ना नागार्जुन विश्वविद्यालय जो है ना, ये आपका ग्रेट बुद्धिस्ट स्कॉलर नागार्जुन आचार्य के द्वारा चलाया जाता था, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ग्लोबल कोएलिशंस टू प्रोटेक्ट पॉलिनेटर, यानी कि हमारे जो पॉलिनेटर होते हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए एक ग्लोबल कोएलिशंस चलाया जा रहा है। पॉलिनेटर किसको कहते हैं, जैसे आप देखते हो कि फ्लावर्स वगैरह, तो फ्लावर्स वगैरह में इस तरीके की आपको पोलेंस देखने को मिलती होगी, तो इसको हम लोग पोलेंस ग्रेन कहते हैं, ओके। तो फ्लावर में किस तरीके से रिप्रोडक्शंस होता है, फ्लावर में रिप्रोडक्शन सिस्टम जो यहाँ पे होता है ये पोलेन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र करके ही होता है, और ये आपका जो ट्रांसफ़र किया जाता है ये किसी पोलिनेटर्स के द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे बर्ड्स भी कह सकते हैं, कोई इंसेक्ट्स भी कह सकते हैं, कोई जैसे एयर भी हो गए, वाटर भी हो गए, किसी भी तरीके से ये पोलिन ग्रेन जब फॉल होता है ज़मीन पर, और ज़मीन से ये खिसक के जो है आपका किसी के भी द्वारा एक जगह से दूसरे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में चला जाता है, तो इस तरीके के चीज़ों को हम लोग पॉलिनेटर कहते हैं, इनको एजेंट भी कहते हैं, ओके। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया था ये नीदरलैंड में 2016 में लिया गया था, और धीरे धीरे इसमें बहुत सारे कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये आपका फाइंड आउट किया फॉर्म किया गया था फाइंड आउट करने के लिए कि इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस है, कि किस तरीके से यहाँ पे पॉलिनेटर्स को एसेस किया जाएगा, पॉलिनेशंस को देखा जाएगा, फूड प्रोडक्शंस की बात की जाएगी, और ये वर्ल्ड के बहुत सारे पॉलिनेटर स्पीसीज है जो कि आज के डेट में कम होते जा रहे हैं, तो उनको यहाँ पे बचाने की बात की जाएगी, ओके। तो यहाँ पे इंडिया इसका पार्टिसिपेट हो चुका है, इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं, अब इंडिया भी इस तरीके की चीज़ों पर हाथ बटाएगी। ये भी आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है कि तमिलनाडु ने अपने स्टेट बटरफ्लाई को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए, तो तमिलनाडु की जो स्टेट बटरफ्लाई है वो है तमिल यमन, एक बटरफ्लाई स्पीसीज देखने को मिलेगा जो कि वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगी, और इसको जो है तमिलनाडु की स्टेट बटरफ्लाई जैसा डिक्लेयर कर दिया गया। इसको तमिल मारावन भी कहते हैं, जिसका मीन्स है वैरियर। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु पहली ऐसी कंट्री है, स्टेट है जो कि इस तरीके का स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर रही है, इससे पहले आपकी सबसे पहली जो स्टेट है जो कि इस तरीके की चीज़ को डिक्लेयर की है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट है जो कि ब्लू मॉर्मोन को वो अपनी स्टेट बटरफ्लाई की है। उसके बाद उत्तराखंड है जो कि कॉमन पीकॉक, कर्नाटक है सदर्न बर्ड विंग्स, एंड केरल है जो कि मालाबार बैंडेड पीकॉक, एंड नाउ अब तमिलनाडु। इट मीन्स तमिलनाडु फिफ्थ नंबर पर आते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पे प्लास्टिक क्रस्ट, न्यू काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। प्लास्टिक क्रस्ट आप समझ गए हो कि क्रस्ट वाले एरिया में जितनी भी प्लास्टिक पाई जा रही है उसके कारण भी पॉल्यूशन हो रहा है, जिसको प्लास्टिक क्रस्ट कहते हैं। यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स है जो कि इस न्यू तरीके के रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ऐसी रॉक बन रहे हैं, पत्थर बन रहे हैं जिसके ऊपर जो है ना आपको प्लास्टिक की कोटिंग देखने को मिल रही है, तो इसको हम लोग प्लास्टिक क्रस्ट कह रहे हैं। और ये प्लास्टिक क्रस्ट इतना ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि कोई भी इंसेक्ट्स, कोई भी स्पेसीज, कोई भी आपको मैमल्स देखने को मिलेंगे, जीव जंतु देखने को मिलेंगे, जो रॉक को अगर खाने का भी कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर जो लगी चीज़ें हैं उसको खा लेते हैं, तो यानी कि वो इनडायरेक्टली जो है डायरेक्टली प्लास्टिक से खा रहे हैं। ओके, अब आते हैं परामर्श स्कीम। ये एक तरीके की न्यू स्कीम से, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है। एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन स्कीम है जो कि जितनी भी आपकी यहाँ पे कॉलेजेस वगैरह है उसको यहाँ पे देखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, और ये आपका मॉनिटर किया जाएगा नाक के थ्रू। नाक आप लोग जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के लिए, जैसे नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल है, तो ये इनकी तरफ से ये आपका जो है परामर्श चलाया जा रहा है। फोकस एरिया है कि यहाँ पे आपकी करिकुलम एस्पेक्ट देखी जाएगी, टीचिंग लर्निंग एवोल्यूशन देखा जाएगा, रिसर्च है, इनोवेशन है, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। और इस स्कीम का टारगेट है कि यहाँ पे 1000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में देखना है और UGC की क्या क्वालिटी मैंडेट की जा रही है, इन सारी चीज़ों को वहाँ पर टैकल आउट करना है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है इंड स्पेस एक्स। तो इंडियन आर्म्ड फोर्स जो है वो अब यहाँ पे कंडक्ट करने के लिए रेडी है कंट्री की फर्स्ट एवर स्पेस वॉर जो कि इंड स्पेस एक्स है। ये ट्राई सर्विस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री भी है जो कि कंडक्ट करेगी 2 दिन की इंड स्पेस एक्स है, और यहाँ पे आपकी मिलिट्री और साइंटिफिक आपकी स्टेक होल्डर्स है, और साथ ही साथ ये फर्स्ट एक्सरसाइज है जो कि यहाँ पे प्लान किया जा रहा है। इंडिया की सक्सेसफुल टेस्ट जो कि ASAT थी, यानी कि एंटी सैटेलाइट इंटरसेप्टर मिसाइल थी, जो कि यहाँ पे 740 kg माइक्रो आर सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय की थी, और वो भी 283 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में, जिसको कि हम लोग यहाँ पे मिशन शक्ति का नाम दिए थे, और ये इसका एक मोड था हिट टू किल मोड। ओके, तो ये इंडियन स्पेस एक्स जो है आपको याद रखना है कि मिशन शक्ति के बाद जो है ये पहली बार हमारी कंट्री से इंडियन आर्म्ड फोर्स के द्वारा ये आपका कंडक्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रोल ऑफ कॉस्मिक रेस इन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में हमारी कॉस्मिक रेस का क्या रोल है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे पता किए हैं कि जो आज के डेट में जो एविडेंस निकल कर आया है कि कॉस्मिक रेस का जो रोल है ना वो हमारे क्लाइमेट चेंज को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। रिसेंट ऐसी फाइंडिंग निकल कर आई है जहाँ पे बताया जा रहा है कि गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज है जो कि हमारी लो लेइंग जो क्लाउड है ना, यानी कि जो नीचे सतह पे जो क्लाउड बनते हैं, आप जो कभी कभी देखते होंगे कि हाई अल्टीट्यूड वाले एरिया में चले जाइए, जैसे कि आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, सिक्किम, दार्जिलिंग, तो वहाँ पे आपको देखने को मिला है कि पहाड़ों पे ही क्लाउड है, तो जो लो लेइंग क्लाउड होती है ना उसमें यहाँ पे बनने में जो है इस तरीके की कॉस्मिक रेस बहुत ही ज़्यादा ट्रबल कर रही है। यहाँ पे जो आपका इंक्रीज़ हो रहा है ग्लोबल क्लाउड, वो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अर्थ की एटमोसफेयर को ठंडा कर रहा है, और ये अम्ब्रेला इफेक्ट के कारण हो रहा है। तो इस तरीके का जो इंस्टेंस देखने को मिला है वो सिबरिया में देखने को मिला है। ओके, तो खास इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको बस याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं प्लूनेट्स। प्लूनेट्स क्या है, तो एक न्यू क्लास है सेलेस्टियल बॉडीज़ का जिसको प्लूनेट्स कहा जा रहा है। प्लूनेट्स जो है एक ऑर्फन मून कहा जा रहा है, यानी कि इनके कोई भी पेरेंट्स मून नहीं है, ये आपका जो है अनाथ चांद कहा जा रहा है जिसको, और यहाँ पे उनके बॉन्डेड जो है पेरेंट प्लैनेट नहीं है। प्लूनेट्स की बात करें तो ये हमारे बिजार एक्सोप्लैनेटरी जो फीचर्स है उसको एक्सप्लेन करेगी, और यहाँ पे जो प्लैनेट फॉर्मेशन प्रोसेस है उनके डिटेल्स को भी बताएगी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे SPEKTRRG। तो रशिया यहाँ पे ऑल स्काई सर्वे सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च करी है जिसका नाम ये रखा गया, और यहाँ पे जितने भी आपके मीन्स यहाँ पे सर्वे किया जाएगा सैटेलाइट को, वो चीज़ देखी जा रही है। जॉइंट प्रोजेक्ट है ये आपके रशियन स्पेस एजेंसी और रॉस्कोमोस और जर्मन स्पेस एजेंसी जो DLR है उसके बीच की है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे हर एक स्काई का सर्वे करना है, और यहाँ पे टेलीस्कोप को इमेज करते हुए साथ ही जो हिडन पॉपुलेशन है बहुत सारे यहाँ पे 100,000 जो ब्लैक होल्स का, उसको यहाँ पे देखना है। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जो कि आपका रशिया के स्पेस एजेंसी रॉस्कोसमोस और जर्मन की स्पेस एजेंसी DLR के बीच में है। इसकी ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे ऑल स्काई सर्वे को यहाँ पे कंडक्ट कराना है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डॉलुटिक ग्वारियर। आई डोंट नो क्या इसको प्रोनाउंस किया जाएगा, डोलेट ग्रेविर, ओके सो वट एवर, बट WHO ने यहाँ पे रिकमेंड की है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये HIV ड्रग्स है और इसको फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है सारे पॉपुलेशन के लिए, जिसमें कि प्रेगनेंट वीमेन भी इंक्लूड है। ओके, तो HIV से आपका HIV एक वायरस है जिससे कि एड्स होता है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मेडिसिन वगैरह बहुत सालों से इसका आपका देखने को मिला हो कि रिसर्च वगैरह चल रही है, तो अब जाके जो है इसको यूज़ करने की बात की जा रही है। प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखोगे जो कि ड्रग्स रेसिस्टेंस की मात्रा जो है बढ़ती जा रही है, तो आज के डेट में बहुत
इंपॉर्टेंट है जो कि DTG है, इसके पास हाई जेनेटिक बैरियर्स है कि इस तरीके के ड्रग रेसिस्टेंस को यहाँ पर डेवलप करने से रोक सके। ओके तो नेक्स्ट चलते हैं कि मर्जर हुआ है NIMH और NIOH का, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ है, और जिसको कि यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया गया और बाद में इसको मर्ज कर दिया गया NIOH के साथ, जो कि है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ अहमदाबाद। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ जो है इसको सेटअप किया गया था 1990 में, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट थी जो कि वर्क कर रही थी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर, उसके बाद इसको हटा दिया गया। अब यहाँ पे आया है ICMR NIOH जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आई है, और NIOH का यहाँ पे आपका जो फोकस है वो ये है कि किस तरीके से ऑक्यूपेशनल हेल्थ को यहाँ पे बढ़ानी है, जिसमें कि आपकी ऑक्यूपेशनल मेडिसिन है, ऑक्यूपेशनल हाइजीन है, ये सबको यहाँ पे मेंटेन करके चलना है। नेक्स्ट है नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ ग्लैंडर्स। तो ग्लैंडर्स होता क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेरीज जो है यहाँ पे इस तरीके की जो प्रोग्राम है उसको रिलीज़ की है। ग्लैंडर्स एक तरीके का कॉन्टाजियस और फैटल डिजीज़ है जो कि आपको इक्विनीज देखने को मिलेगा, और ये सारी जो डिजीज़ है ये आपके हॉर्सेज, डोंकी और मिल्स में होती है। ह्यूमन्स भी इस डिजीज़ से अफेक्ट हो सकते हैं, और ये बैक्टीरियम से होता है, बैक्टीरियम बुरकोल डेरिया मलाई के नाम से है, और इसमें कोई भी वैक्सीन अब तक अवेलेबल नहीं है इस बीमारी के लिए। तो ये आपको ग्लैंडर्स याद रखना है, इसमें ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, बहुत सारे इसमें स्पेसिस भी आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट टॉपिक है E2020 इनिशिएटिव। WHO यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ काम कर रही है और दूसरे पार्टनर्स भी है जो कि E2020 इनिशिएटिव है, जिसमें कि 2020 तक यहाँ पे मलेरिया को एलिमिनेट करनी है। ये ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी फॉर मलेरिया 2016-30 का पार्ट है और WHO के द्वारा यहाँ पे इंडोर्स किया जा रहा है, जिसका एम है कि हम लोग को ग्लोबल मलेरिया का जो बर्डन है ना 15 पीरियड्स में ओवर द 15 ईयर्स पीरियड इसको पूरी तरीके से कम करना है। ओके तो आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि E2020 इनिशिएटिव किस चीज़ से रिलेटेड है, किस डिजीज़ से, ट्यूबरकुलोसिस है या फिर आपका मलेरिया हो गया या फिर एड्स हो गया, किससे है ये आपको पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है ये मलेरिया से। ओके तो गाइस हमारी ये लेसन कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स की देखेंगे। यहाँ पे दो स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये न्यूज़ इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं इसको अभी लास्ट में डिस्कस कर रही हूँ, जो कि आपके जितने भी वन लाइनर वाले क्वेश्चन है, स्टेट PCS होते हैं, 65 PPSC एग्जाम खुद देखने को मिलेगा कि ये सारे क्वेश्चंस से, ये सारे टॉपिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी है। ओके तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको लेसन अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा। अगस्त मंथ की भी मैगजीन्स आ चुकी है, उसकी भी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, ज़रूर देखिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे वीजा नाइस की मैगजीन्स देखने को मिलती है। अभी आपकी पॉलिटी और जो इन्वायरमेंट की लेसन है वो अभी रुकी हुई है थोड़ी, एग्जाम के बाद हम लोग अच्छे से इसको डील करेंगे। ओके तो आप लोग घबराइए मत, जब से UPSC प्रीलिम्स होगी उससे पहले मैं ज़रूर इसको कंप्लीट कर दूंगी। ओके ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ज़रूर इसको कंप्लीट कर दूंगी। ओके तो आज के लिए बस इतना है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको मेरी न्यू लेसन की अपडेशंस मिलेगी। थैंक यू।